हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई एजुकेशन। वाईफाई एजुकेशन की इस वीडियो में आप एनालिसिस करेंगे पीएसपी सिल एलडीसी क्लर्क 2019 के एग्जाम की 24 दिसंबर 2019 की पहली शिफ्ट की। इस एनालिसिस विच जो जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्होंने बारे चर्चा करेंगे। इस तो बाद बाकी सारे सब्जेक्ट्स वर्जित हैं, जिवें फॉर एग्जाम्पल मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और कंप्यूटर। इन्होंने किहड़े टॉपिक के विचों किहड़ा क्वेश्चन पूछा गया है उन्होंने बारे भी इस वीडियो में आप चर्चा करेंगे डिटेल। यह वीडियो नैक्सट जो शिफ्ट के एग्जाम होने हैं उन्होंने एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेनीफिशियल रहेगी। सो वीडियो में पूरे ध्यान स्टार्टिंग लैके एंड तक जरूर देखना है और ज़्यादा तो ज़्यादा इस वीडियो में शेयर करना है ताकि जो भी कैंडिडेट्स का एग्जाम नैक्सट वाली शिफ्ट के है उन्हों तक ये वीडियो पहुँच सके। सो विदाउट फर्दर डिले लैट स्टार्ट द वीडियो। फस्ट क्वेश्चन पूछा गया इस पेपर के हू हैज़ बीन अपॉइंटड एज द न्यू चीफ ऑफ इंडियन एयर स्टाफ। जो इंडियन एयर फोर्स है उसके रीसेंटली न्यू चीफ बने से उन्हों का की नाम है, उन्हों का नाम हैगा आर के एस भदौरिया। इसलिए अपना इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर से आर के एस भदौरिया। ये तो सी न्यू चीफ। अगर पूछा जाए जो वाइस चीफ बने से उन्हों का की नाम है, यानी कि एक बने से चीफ एक बने से वाइस चीफ इसी इंडियन एयरफोर्स के, उन्हों का नाम है एच एस अरोड़ा। इन्हों का नाम भी याद रखना है, यह भी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है। हो सकता है नैक्सट शिफ्ट के यह क्वेश्चन पूछा जाए कि वाइस चीफ कौन बने ने जो इंडियन एयरफोर्स से बने ने, उन्हों का नाम है एच एस अरोड़ा, यानी कि हरजीत सिंह अरोड़ा। एदा सी गल इंडियन एयरफोर्स की। अगर पूछा जाए नेवी के कौन बने सी, नेवी के भी रीसेंटली तुहानू पता होएगा रीसेंटली बने सी करमवीर सिंह। नेवी के न्यू चीफ बने सी करमवीर सिंह। और जो आर्मी है इसदे कौन बने सी, इन्हां दे पुराने ही हन, इन्हां दा नाम है जनरल बिपिन रावत। बिपिन रावत ने जिहड़े इह पुराने ही हन, इह सी आर्मी दे चीफ। नेवी दे तुहानू दस्सिया मैंने करमवीर सिंह, ते जे जिहड़े इंडियन एयरफोर्स दे ने उन्हां दा की नाम है आर के एस भदौरिया, और जो वाइस चीफ ने एयरफोर्स दे उन्हां दा नाम है एच एस अरोड़ा। सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट ने, याद रखने हन। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन पूछा गया सी इस पेपर दे विच वर्ल्ड चिल्ड्रन डे। इन्हां ने पूछा सी वर्ल्ड चिल्ड्रन डे जिहड़े हैगे आ इह कदों मनाया जांदा, इह मनाया जांदा 20 नवंबर नूं। 20 नवंबर नूं हर साल किहड़ा डे मनाया जांदा है, वर्ल्ड चिल्ड्रन डे। हर एक शिफ्ट दे विच दो क्वेश्चन इंपोर्टेंट डेज़ और थीम्स तो जरूर पूछे जा रहे हैं। मैंने जिन्हें भी इंपोर्टेंट डेज़ जनवरी तो लैके नवंबर तक बनते हैं सारे के सारे करवाए हैं, तुसी चैक कर सकते हो सर्च करके यूट्यूब पे। तुसी सर्च कर सकते हो इंपोर्टेंट डेज़ एंड थीम्स जनवरी टू नवंबर, क्योंकि हर एक शिफ्ट के दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तुहाडी शिफ्ट के भी डेफिनेटली दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। नैक्सट क्वेश्चन आया जी इस पेपर के थर्ड नंबर क्वेश्चन, हू वॉज़ द फाउंडर ऑफ केरला बेस्ड फैडरल बैंक। जो केरला के फैडरल बैंक है इसके जो फाउंडर है वह कौन ने, यह ने के पी होरमिस। के पी होरमिस ने जोड़े फाउंडर ने जोड़ा केरला बेस्ड फैडरल बैंक है। ये क्वेश्चन लगभग किसी कैंडीडेट्स नहीं आता सी, इसलिए जो क्वेश्चन तुहानू नहीं आता उसनू इग्नोर करना है तो उन्होंने छड़ना है, क्योंकि इस पेपर के 0.25 नैगेटिव मार्किंग है। यानी कि जे एक क्वेश्चन तुसी गलत करते हो तो 0.25 मार्क्स ने जोड़े वो कट्टे जाएंगे, जो सही क्वेश्चन तुहाने अटैम्प्ट किए होंगे उन्होंने कट्टे जाएंगे, इसलिए जो आता है वो ही अटैम्प्ट करना है। नैक्सट क्वेश्चन आया सी फोर्थ नंबर क्वेश्चन, ढाप डांस। जिहड़ा ढाप डांस फैसटिवल है ये किहड़ी स्टेट का फेमस फैसटिवल है, ये हैगा जी उड़ीसा का। इसलिए अपना इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है उड़ीसा। एक क्वेश्चन डांस फैसटिवल तो जरूर पूछा जा रहा है, तुसी इंपोर्टेंट जिहड़े डांस के फैसटिवल ने उन्होंने याद रखना है। एक क्वेश्चन तुहाडी शिफ्ट विच भी जरूर पूछा जाएगा। उसके बाद नैक्सट क्वेश्चन आया इस पेपर के फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, हू हैज़ रिसीव्ड द वैटरन पिन फ्रॉम द इंटरनेशनल एसोसीएशन ऑफ एथलैटिक्स फैडरेशन। इंटरनेशनल एसोसीएशन ऑफ एथलैटिक्स फैडरेशन है जरा, इन्हों के द्वारा एक वैटरन पिन दिता गया है। किनू दिता गया है, यह दिता गया है पीटी ऊषा। पीटी ऊषा दिता गया है जो वैटरन पिन दिता गया है इंटरनेशनल एसोसीएशन ऑफ एथलैटिक्स फैडरेशन के द्वारा, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वह है पीटी ऊषा। पीटी ऊषा जो है यह एक एथलैटिक्स के पार्टनरशिप लेंदी सी। इस दे लई तुहानू एक नाम और याद रखना है जो निकनेम है इन्हां दा, इन्हां दा जो निकनेम है वह की है प्योली एक्सप्रैस। पूछा जाता है काफ़ी एग्जाम के कि प्योली एक्सप्रैस किसनू कहा जाता है, वह भी कहा जाता है पीटी ऊषा नू। यह भी याद रखना है, हो सकता है नैक्सट शिफ्ट के पूछ लिया जाए कि प्योली जो एक्सप्रैस है यह किसका जो निकनेम है वह है, वह है पीटी ऊषा। उस तो बाद जो डींग एक्सप्रैस है वह तो तुहानू पता ही होगा, जो हिमा दास है, हिमा दास नू निकनेम दिता जाता है किहड़ा, जो डींग एक्सप्रैस है, यह भी याद रखना है। उसके बाद सिक्स नंबर क्वेश्चन आया इस पेपर के वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। जो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है यह कदों मनाया जाता है, यह मनाया जाता है
14 नवंबर नूं। इस दे लई अपना राइट आंसर सी 14 नवंबर। एक मैंने तुहानू उपर करवाया है जो इंपोर्टेंट डेज और थीम्स तों क्वेश्चन पूछा गया सी। ये दूसरा क्वेश्चन है, यानी कि हर एक शिफ्ट दे विच दो क्वेश्चन डेज और थीम्स तों पूछे जा रहे हैं, इसलिए तुहानू सारे सारे जिहड़े इंपोर्टेंट डेज और थीम्स ने वह याद रखने ने तुहाने। उसके बाद नैक्सट क्वेश्चन आया थी 7th नंबर क्वेश्चन, इंडिया वन द सैफ अंडर 18 जो चैंपियनशिप हुई थी सैफ अंडर 18 दे विच, इस दे विच इंडिया ने जितया है, इस दे विच फाइनल दे विच इंडिया ने किस कंट्री नूं हराया है, इस दे विच हराया बांग्लादेश नूं। इसलिए अपना इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होएगा वह होएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश नूं फाइनल दे विच हराया है जो सैफ अंडर 18 चैंपियनशिप्स हुई है रीसेंटली, इसलिए अपना राइट आंसर होएगा बांग्लादेश। नैक्सट क्वेश्चन आया सी इस पेपर दे विच 8th नंबर क्वेश्चन, हू हैज़ कन्फर्ड द प्रेस्टीजियस एम पी बिरला मैमोरियल अवार्ड, जो प्रेस्टीजियस अवार्ड है जिसका नाम है एम पी बिरला मैमोरियल अवार्ड 2019 के किनू मिले, ये मिले थानू पद्मानवन नू। इसलिए अपना इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होएगा वह है थानू पद्मानवन। एक क्वेश्चन जो अवार्ड दिए गए हैं 2019 उन्होंने जरूर पूछा जा रहा है हर एक शिफ्ट के, इसलिए सोने जिन्हें भी इंपोर्टेंट जो अवार्ड दिए गए हैं उन्होंने जरूर पढ़ के जाना है, एक क्वेश्चन तुहानू जरूर मिलेगा तुहाडी शिफ्ट के। नैक्सट क्वेश्चन आया इस पेपर के 9th नंबर क्वेश्चन, हू हैज़ बीन अपॉइंटड एज द ब्रांड एंबैसडर ऑफ वीजा द पेमेंट टैक्नोलॉजी कंपनी 2019 के, एक पेमेंट टैक्नोलॉजी कंपनी है जिसका नाम है वीजा। तुमने देखा होगा रुपए कार्ड होंगे, एक ना एक होंगे वीजा कार्ड, इस तरह के एक मास्टर कार्ड होंगे, ये सारे कार्ड पढ़ के जाने ने, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है हर एक शिफ्ट के। जिमें फॉर एग्जाम्पल फस्ट शिफ्ट के पूछा गया सी जो रुपए कार्ड है वह कौन लॉन्च करता है, उसनों किया NPCI ने, NPCI ने किया जिन्होंने लॉन्च किया जो रुपए कार्ड है। इसके लिए एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है, इन्होंने पूछा है जो वीजा कार्ड है इन्होंने रिसेंटली अपना किसनों ब्रांड एंबैसडर बनाया, ये बनाया जी PV Sindhu नूं। इसलिए अपना जो राइट आंसर है वह है PV Sindhu। नैक्सट क्वेश्चन है 10th नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन, विच एडिशन ऑफ वर्ल्ड कांग्रेस ऑन रूरल एंड एग्रीकल्चर फाइनेंस इज़ बींग हैल्ड इन न्यू दिल्ली रीसेंटली। 2019 न्यू दिल्ली के एक वर्ल्ड कांग्रेस हुई है रूरल एग्रीकल्चर के उपर, फाइनेंस दिल्ली फैसिलिटी प्रोवाइड करनगे। इस दे विच जिहड़ी सबमिट हुई है ये कौन एडिशन सी, ए सी 6th, इसलिए अपना जो राइट आंसर है वह है 6th, न्यू दिल्ली के हुई है, ये भी याद रखना है। नैक्सट क्वेश्चन है 11th नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन, हू हैज़ वन द एक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड एट द 11th एडिशन ऑफ GQ मैन ऑफ द ईयर इन मुंबई। GQ मैन ऑफ द ईयर रहे हैं 2019 जो मुंबई के होया रीसेंटली, यानी कि बेस्ट एक्टर अवार्ड दिता गया इस एडिशन 11वें एडिशन के, ये मिले है आयुष्मान खुराना, इसलिए अपना जो राइट आंसर है वह है आयुष्मान खुराना। नैक्सट क्वेश्चन आया इस पेपर के 12 नंबर क्वेश्चन, विच इंडियन कंपनी कम एट द प्लेस ऑफ 3rd पोजिशन इन द फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज लिस्ट। इन्होंने पूछा है जो इंडिया की कौन सी कंपनी है जिसका जो रैंक है वो 3rd आया है, जो फोर्ब्स ने रीसेंटली एक रिपोर्ट है जी पब्लिश की है, यानी कि फोर्ब्स की रैंकिंग दे विच जो 3rd पोजीशन पर आई है इंडिया की कौन कंपनी है, उसका नाम है इनफोसिस। इसलिए अपना जो राइट आंसर है वो है इनफोसिस। नैक्सट क्वेश्चन आया सी 13 नंबर क्वेश्चन, विच कंट्री रिलीज्ड कॉइन्स ऑन द 550वीं बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव जी। 550th जो गुरु नानक देव जी की जो बर्थ एनिवर्सरी थी, इस मौके उत्ते किस कंट्री ने जो कॉइन नेड़े रिलीज़ किए सी, वह कौन कंट्री है, वह है नेपाल। इसलिए अपना जो राइट आंसर सी नेपाल। इस तो बाद यह 3 कॉइन से जोड़े इशू किए गए सी नेपाल की गौरमेंट के द्वारा, यह भी याद रखना है तुहाने। हो सकता है नैक्सट शिफ्ट के पुछा लिया जाए कि इन दिड़ा नहीं है। इस दिल्ली पहला जो कॉइन है वह है 2500, यानी कि 2500 रुपये का सिक्का लॉन्च किया है, उसके बाद 1000 रुपये का, एक है 100 रुपये का, पूछा जा सकता है, इंपोर्टेंट है याद रखना है, 2500 का है, एक 1000 का है, उत्तर उस तो बाद लास्ट जो है वह है 100 रुपये का। इन 3 सिक्कों लॉन्च किया है जो नेपाल की गौरमेंट है। उसके बाद नैक्सट क्वेश्चन आया इस पेपर के 14 नंबर क्वेश्चन, विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ कंप्लीटड 38 सेंचुरीज इन द इंटरनेशनल क्रिकेट रीसेंटली। इंटरनेशनल क्रिकेट के रीसेंटली 38 सेंचुरीज किने कंप्लीट की ने, कि इंडियन क्रिकेटर ने, वह ने रोहित शर्मा। इसके लिए अपना जो राइट आंसर है वह है रोहित शर्मा। उस तो बाद दो क्वेश्चन आए थे, एक ब्रिक्स तो आया सी, एक आया सी एशियान दे विचों, ए नहीं पता किहड़ा क्वेश्चन आया सी। इस दे लई जो इंपोर्टेंट है वो सारा सुनो मैं करवा दिना, जो एशियान दे विचों पूछा जा सकता है नैक्सट शिफ्टां दे विचों। सब तो पहला एशियान है जी, यह एक ऑर्गनाइजेशन है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है द एसोसीएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशनस, ये फुल फॉर्म है एशियान की। उस तो बाद नैक्सट है जो एस्टैबलिश हुई सी, यह हुई सी 8 अगस्त 1967।
ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ ਜੋ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕਦੋਂ ਫਾਊਂਡ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਹੋਈ ਸੀ 8 ਅਗਸਤ 1967 ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦਾ ਜੋ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜਕਾਰਤਾ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਕਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਏਸ਼ੀਅਨ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਜਨਰਲ, ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਲਿਮ ਜੋਕ ਹੋਈ, ਲਿਮ ਜੋਕ ਹੋਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਟੋਟਲ 10 ਕੰਟਰੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀ ਨੇ? ਉਹ ਨੇ ਕੰਬੋਡੀਆ, ਬਰੂਨੀ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਲਾਓਸ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਫਿਲੀਪੀਨਸ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਔਰ ਮਿਆਂਮਾਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਏਸ਼ੀਅਨ, ਯੈਸ ਔਰ ਨੋਟ? ਉਸਕਾ ਆਂਸਰ ਹੋਗਾ ਨੋਟ, ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਏਸ਼ੀਅਨ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਓਬਜ਼ਰਵਰ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਓਬਜ਼ਰਵਰ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਏਸ਼ੀਅਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਓਬਜ਼ਰਵਰ ਦਾ, ਉਹ ਨੇ ਪਪੂਆ ਨਿਊ ਗਿਨੀ ਔਰ ਤੈਮੂਰ ਲੈਸਟੇ। ਤੈਮੂਰ ਲੈਸਟੇ ਔਰ ਪਪੂਆ ਨਿਊ ਗਿਨੀ ਨੂੰ ਦੋ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵਰ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਲੋਗ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਰਟਨਰ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਇੰਡੀਆ, ਚਾਈਨਾ, ਜਪਾਨ, USA, ਰਸ਼ੀਆ, ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਔਰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਡਾਇਲੋਗ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਇਸ ਏਸ਼ੀਅਨ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸਬਮਿਟ ਹੋਈ ਸੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ? ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਲੀ, ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਸਬਮਿਟ ਹੋਈ ਸੀ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ? ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 ਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, 34ਵੀਂ ਔਰ 35ਵੀਂ, 34ਵੀਂ ਔਰ 35ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਬਮਿਟ ਹੋਈ ਸੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਉਹ ਹੋਈ ਸੀ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 34 ਅਤੇ 35 ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਮਿਟ ਹੋਈ ਹੈ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਏਸ਼ੀਅਨ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਥੀਮ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਐਡਵਾਂਸਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫੋਰ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਟੀ, ਐਡਵਾਂਸਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫੋਰ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਟੀ, ਇਹ 2019 ਦਾ ਥੀਮ ਰਿਹਾ ਜੋ ਇਹ ਸਬਮਿਟ ਹੋਈ ਸੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ 2019 ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ 2020 ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗੀ? ਇਹ ਹੋਊਗੀ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, 36ਵੀਂ ਔਰ 37ਵੀਂ ਹੋਊਗੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਤੋਂ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰਸ਼ੀਆ, ਇੰਡੀਆ, ਚਾਈਨਾ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ 5 ਲੈਟਰ ਨੇ, 5 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਲੈਟਰਾਂ ਤੋਂ। ਬੀ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਆਰ ਤੋਂ ਰਸ਼ੀਆ, ਆਈ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ, ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਸੀ ਤੋਂ ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਐਸ ਤੋਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਾਊਂਡ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਜੂਨ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੂਨ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ ਬ੍ਰਿਕਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਸ਼ੰਘਾਈ, ਸ਼ੰਘਾਈ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬ੍ਰਿਕਸ ਬੈਂਕ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਬੈਂਕ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ NDB, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ। ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ KV ਕਮਥ, KV ਕਮਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਨਿਊ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਸਬਮਿਟ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ? 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਸਬਮਿਟ ਹੋਈ ਸੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11ਵੀਂ ਸਬਮਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ ਬ੍ਰਾਸੀਲੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬ੍ਰਾਸੀਲੀਆ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2019 ਦੀ ਸਬਮਿਟ ਹੋਈ ਹੈ, 11ਵੀਂ ਸਬਮਿਟ ਸੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸੀ, 11ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੀਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਫੋਰ ਐਨ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਫਿਊਚਰ। ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਫੋਰ ਐਨ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਫਿਊਚਰ, ਇਹ ਥੀਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ 11ਵੀਂ ਸਬਮਿਟ ਹੋਈ ਹੈ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਬ੍ਰਾਸੀਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ 12ਵੀਂ ਸਬਮਿਟ, 12ਵੀਂ ਸਬਮਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗੀ? ਚੈਲੀਬੈਂਸਿੰਗ, ਰਸ਼ੀਆ। ਚੈਲੀਬੈਂਸਿੰਗ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਹੈ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਹੋਏਗੀ ਜੋ 12ਵੀਂ ਸਬਮਿਟ ਹੋਏਗੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪਡੇਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ 3-4 ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਬਚਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ 1x1 ਕਰਕੇ। ਇਹ ਟੋਟਲ 15-16 ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਥ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਕਿਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਪਲ ਔਰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 5 ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ
अज्ज दे दिन दे विच जिहड़ी फस्ट शिफ्ट हुई है, उस तो बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस है इस दे विच तीन ते चार क्वेश्चन पूछे गए ने, उस तो बाद जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है उस दे विच दो तो तीन क्वेश्चन पूछे गए ने, उस तो बाद टाइम एंड डिस्टेंस जिवें फॉर एग्जाम्पल ट्रेन तो पूछा जाता एक क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन जिहड़े पूछे गए सी ओह पूछे गए सी दो तो तीन। उस तो बाद बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम तो एक क्वेश्चन पूछा गया सी, उस तो बाद सिंपलीफिकेशन, सिंपलीफिकेशन दे विच दो तो तीन क्वेश्चन पूछे गए सी, उस तो बाद मिसलिनियस आ जाते हैं, मिसलिनियस के काफ़ी सारे जोड़े टॉपिक ने वो आ जाते हैं, जिमें फॉर एग्जाम्पल एच सी एफ, एल सी एम, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, एलीगेशन मिक्सचर, इस तरह के मिसलिनियस के क्वेश्चन आ जाते हैं जोड़े चार तो पाँच पूछे गए हैं। उस तो बाद नैक्सट आता है रीजनिंग, रीजनिंग टोटल तुहानू पता है 25 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग और मैथ के दोनों के, यानी कि 25-25 ईच आते हैं रीजनिंग के भी 25 और मैथ के भी 25। सब तो पहला वैन डायग्राम, वैन डायग्राम आए थे तीन तो चार क्वेश्चन, तीन तो चार क्वेश्चन पूछे गए थे वैन डायग्राम तो। उस तो बाद कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग तो दो तो तीन क्वेश्चन पूछे गए थे, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन पूछे गए थे जिहड़े कोडिंग टू डिकोडिंग पूछे गए थे। उस तो बाद कलोक कैलेंडर तो तीन क्वेश्चन पूछे गए थे, यह बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है कलोक के जिहड़े कैलेंडर है, क्योंकि इस दे विच हर एक शिफ्ट दे विच क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए याद रखने ने यह सारे ने जिहड़े टॉपिक तैयार करके जाने ने, दो तो तीन क्वेश्चन पूछे गए ने इस शिफ्ट दे विच। उस तो बाद नैक्सट है अल्फावैटिकल और नुमैरिकल सीरीज, जिहड़ी नंबर सीरीज़ होंदियां ने ते अल्फावैटिकल सीरीज़ होंदियां ने, इस दे विच दो तो तीन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर एक शिफ्ट दे विच पूछे जा रहे हैं लगभग। उस तो बाद साइलोजिसम, इस दे विच एक तो दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि जिहड़ी कल शिफ्ट दे हुई सी उस दे विच पहली शिफ्ट दे विच एक क्वेश्चन पूछा गया सी, नैक्सट दे विच दो पूछ ले गए, इस तरह एक तो दो क्वेश्चन जिहड़े पूछे जा रहे हैं हर एक शिफ्ट दे विच लगभग। उस तो बाद पजल दे दो क्वेश्चन आए सी, पजल जिवें फॉर एग्जाम्पल कोई सर्कल दे दिंदे ने इहदे आले दुआले चार पाँच स्टूडेंट नूं जां बच्चे नूं बिठाना हुंदा है, इस तरह के जिहड़े पजल टाइप के जिहड़े दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। उस तो बाद नैक्सट आता है मिसलिनियस, मिसलिनियस दे विच काफ़ी सारे टॉपिक्स ने जिहड़े आ जाते हैं, जिवें फॉर एग्जाम्पल डायरेक्शनज, ब्लड रिलेशन, इस तरह के दो तीन टॉपिक और ने जिहड़े आ जाते हैं जिहड़े मिसलिनियस दे विच आते हैं। इस तो बाद नैक्सट आता है इंग्लिश, इंग्लिश दे विच तुहानू पता 20 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश दे विच, इस दे विच दो नरेशन दे क्वेश्चन पूछे गए हैं इस शिफ्ट दे विच दो क्वेश्चन। उस दे बाद वॉइस, यानी कि चेंज द वॉइस तो दो क्वेश्चन आए सी, दो तो तीन क्वेश्चन। उस तो बाद प्रेपोजिशंस, प्रेपोजिशन फिल करनी सी, दो तो तीन क्वेश्चन पूछे गए थे। उस तो बाद फिलिंग द ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक्स जिवें कोई ब्लैंक दे देंगे ने उस दे विच आपने कोई ना कोई जिहड़ा ऑप्शन है वो फिल करना हुंदा है, ये पांच तो सत्त क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगभग हर एक शिफ्ट के पूछे जा रहे हैं ये फिलिंग द ब्लैंक्स तो क्वेश्चन, इसलिए यह प्रिपेयर करके जाने ने फिलिंग द ब्लैंक्स। उस तो बाद नैक्सट सिनोनिम्स दो पूछे गए, उस तो बाद एंटोनियम एक पूछा गया, उस तो बाद एक पूछा गया इडियम और फ्रेज, उस तो बाद दो एक तो दो आर्टिकल पूछे गए, काफ़ी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि एक आर्टिकल पूछा गया, काफ़ी बोल रहे हैं दो आर्टिकल पूछे गए हैं, इसलिए एक तो दो आर्टिकल ने जो पूछे गए हैं इस शिफ्ट के। नैक्सट आता है कंप्यूटर, कंप्यूटर दे विच जिहड़ा एम एस वर्ड है, एक्सल है, पावर पॉइंट है ते असैस है, यानी कि एक होर आएगा एम एस असैस, इन्हां दे विचों सारे विचों कंबाइन करके दो तो तीन क्वेश्चन पूछे गए ने, यह काफ़ी ईजी लैवल का आ रहा है इस बार जिहड़ा कंप्यूटर आ रहा है, क्योंकि जिहड़ा 2018 दे विच एग्जाम होया सी उस दे विच जिहड़ा कंप्यूटर सी काफ़ी हाई लैवल का आ रहा सी, बट इस दे विच कंप्यूटर का जिहड़ा लैवल है वह ज़्यादा नहीं है, जिवें आपां नूं कह दिंदे ने एम एस वर्ड दे विच, यानी कि एम एस वर्ड खोलने तो बाद इस होम स्क्रीन दे उत्ते केड़ी है जिहड़ी चीज़ नहीं आ रही हुंदी, जिवें फॉर एग्जाम्पल कल एक क्वेश्चन पूछा गया सी कि होम स्क्रीन दे उपर एम एस एक्सेल खोलने तो बाद केड़ी है जिहड़ा ऑप्शन नहीं आ रहा हुंदा, उस दे विच ऑप्शन सी जूम परसेंटेज, फाइंड, इस तरह के ऑप्शन सी, एक तरह का इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया सी कल जो सैकेंड शिफ्ट हुई सी। उस तो बाद एक इनवेंशन तो आ रहा है, जिवें फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर पूछा गया सी गूगल दे सॉरी माउस दे, माउस के जिहड़े इनवेंटर ने वह कौन ने डिस्कवर, उन्हों का नाम है डोगल्स एंगलबर्ट। उस तो बाद एक इंपोर्टेंट है कीबोर्ड, कीबोर्ड के जिहड़े फाउंडर ने उन्हों का नाम है क्रिस्टोफर लैंथम शोल्स, इन्हों का नाम भी याद रखना है, यह भी इंपोर्टेंट है। उस तो बाद नैक्सट है बेसिक कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर पूछा जा रहा है पांच तो सत्त क्वेश्चन, जिवें तुमने पंजाब के वेरियस एग्जाम के देखा ही होगा जिहड़ा बेसिक कंप्यूटर किस लैवल का आता है, पांच तो सत्त क्वेश्चन पूछे गए हैं जिहड़ा बेसिक कंप्यूटर के पूछे गए हैं। सो यह पूरा एनालिसिस 24 दसंबर की पहली शिफ्ट का पूरा एनालिसिस, इस तरह का ही पेपर तुहाडी शिफ्ट दे विच देखने को मिलेगा, इसी अकॉर्डिंग दे नाल तुहाने अपनी जिहड़ी प्रिपेरेशन करनी है। जिहड़े भी कैंडीडेट्स इस वीडियो नू देख रहे हैं उन्होंने एग्जाम देने तो बाद अपने जिहड़े क्वेश्चन वो शेयर करने हैं, मैं वट्सएप जिहड़ा नंबर है वो तुहानू दस दिंदा हाँ, उस दे उत्ते तुहाने क्वेश्चन सेंड करने हैं जीके और कंप्यूटर दे, तां कि नैक्सट जिहड़े स्टूडेंट्स ने उन्हां तक यह फायदा जिहड़ा पहुँच सके। व्हाट्सएप नंबर है 84378।
84, 378, उस तो बाद 54, 099। यह वट्सएप नंबर है 09989। यह नंबर है वट्सएप, इस दे उपर तुहाने जिहड़े क्वेश्चन ने वह सेंड करने हन जो जीके ते कंप्यूटर दे होणगे। सो इस वीडियो दे विच बस इन्ना ही, मिलते हैं नैक्सट वीडियो दे विच। अगर तुहानू इन्हां दे विचों जिन्ने भी मैंने अज क्वेश्चन करवाए ने इन्हां दे विचों किसी विच डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स दे विच दसो, तुहाडा जिहड़ी कन्फ्यूजन है वह दूर की जाएगी 100%। इस वीडियो की PDF है जिहड़ी वह तुहानू साडे टैलीग्राम ग्रुप चों मिल जूगी, जिसका लिंक है जिहड़ा वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच दित्ता गया है। उस तों डायरैक्ट तुसीं विजिट कर सकते हो जां तुसीं सर्च कर सकते हो वाईफाई एजुकेशन के नाम पर। तुसीं इत्थे लोगो देख रहे होंगे, यह लोगो ही तुहानू मिलेगा, इसनू तुहाने ज्वाइन कर लेना है। उस दे विच तुहानू डायरैक्ट PDF मिल जाएगी इस पूरे सैक्शन की। सो इस वीडियो दे विच बस इन्ना ही, मिलते हैं नैक्सट वीडियो दे विच। अगर तुहानू कोई डाउट है तो तुसी इंस्टाग्राम पर भी मेरे नाल जुड़ सकते हो, उत्थे तुसी डायरैक्ट मेथों कन्फ्यूजन है जिहड़ी वह पुछ सकते हो। इंस्टाग्राम का भी लिंक है जिहड़ा वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स के विच दिता गया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लैस यू ऑल, कीप सपोर्टिंग वाईफाई एजुकेशन।